प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज होती जा रही है। राज्य में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अनीता रावटे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नाम लिखे इस इस्तीफे में उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया। बता दें कि अनीता रावटे के अलावा किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सोनवानी समेत 11 सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो कांग्रेस की अनीता रावटे के साथ 11 अन्य सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दीपक बैज को यह इस्तीफा उन्होंने लिखा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि पार्टी ने उनके साथ भेदभाव किया है और साथ ही साथ पार्टी में महत्व ना दिए जाने का आरोप लगाया है। दलबदलों ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता, ऐसे में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में इन दिनों भगदड़ का माहौल है, जिस तरह से लगातार जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अनीता रावटे के साथ 11 अन्य सदस्यों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस तरह से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये इस्तीफा सौंपा गया है और इसमें तमाम पदाधिकारी अलग अलग पदों पर, नगर और जिले के पदों पर जो कार्य कर रहे थे कांग्रेस के लिए, उन सभी का इस्तीफा सामने आया। यतेंद्र कुमार साहू, मति त्रिलोकी, राधेश्याम ध्रुव, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अनीता के साथ में अपना इस्तीफा दीपक बैज को सौंपा है। और इसी खबर पर मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से अनीता रावटे के साथ ही साथ 11 अन्य लोगों ने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ये चिंता की खबर है। प्रियंका, आपको बता दें कि अनीता रावटे छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थी और जिन्होंने पार्टी में से इस्तीफा दे दिया और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि पार्टी उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, इस तरह के आरोप। अब ये छत्तीसगढ़ में आम बात ही हो गई है कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, लगातार कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं और भाजपा का कुंबा लगातार बढ़ता देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कांग्रेस की 11 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, अनीता रावटे के साथ ही साथ दीपक बैज को अपना इस्तीफा सौंपा गया है, उन्होंने साफ तौर पर पार्टी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, इसको लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है अभी तक? जी प्रियंका, आपको बता दें कि जब से अनीता रावटे के साथ साथ 11 और लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, उसके बाद से अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनीता रावटे को लेकर या 11 लोगों ने जो और पार्टी का दामन छोड़ा है उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से दल बदलुओं की वजह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की घड़ी हो सकती है आने वाले समय में, लोकसभा चुनाव की एक तरफ तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ जिले के अलग अलग पदों पर काम करने वाले कार्यकर्ता जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से अपना मुंह मोड़ रहे हैं, किस तरह की स्थिति में आप कांग्रेस को देख पा रहे हैं राज्य में? निश्चित रूप से प्रियंका, की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का दामन जिस तरह से कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो लगातार दामन छोड़ते जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की देखनी पड़ सकती है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से लगातार कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो एक तरफ 11 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा सामने आया है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी लगातार जिस तरह से शिकायत की जा रही है, उन्होंने कार्यकर्ताओं के ऊपर स्लीपर सेल नाम का जिस तरह से कहकर कार्यकर्ताओं का विरोध साफ देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर अंदर खाने ही पार्टी में जो कलह मची हुई है, सबसे पहले कांग्रेस का उससे पार पा पाना लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती है?
जी निश्चित रूप से प्रियंका की कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस का दामन छोड़ना और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का दामन छोड़ना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी दिक्कतों का सामना सहना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल मनोज, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।